गृह मंत्रालय ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि वीडियो कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। बता दें कि जूम यूजर्स की यूजर्स प्राइवेसी में दखल देना और डाटा चोरी जैसे आरोप लगे हैं। देश में जारी लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सहूलियत दे रही हैं। घर से काम करने के दौरान मीटिंग के लिए हाल में चर्चित हुई जूम ऐप का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। इस ऐप पर एक साथ कई लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस तरीके की जानकारी के लिए आप सचेत रहिए और अपना डाटा सेफ रखिए और सुरक्षित रहिए। अपने घर में अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।